वेलकम टू पाकिस्तान इंडिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है टॉप 10 इंडियन कार्स 2021, मेक इन इंडिया कार, सेफ्टी, मतलब सब कुछ बताया जाएगा। तो यार, हम आज इंडिया की टॉप 10 बेस्ट कार्स देखने लगे हैं जो 2021 की हैं। मतलब टॉप 10 या इंडियन कंपनीज ने बनाई हैं या क्या है, मतलब मेक इन इंडिया के तहत जो बनी है वो टॉप 10 हम बेस्ट कार्स 2021 के देखने लगे हैं। तो बहुत ज्यादा ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 10 कार्स के बारे में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर कार टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब रहती हैं। साथ ही साथ कुछ कार तो भारत की सबसे सेफ कारों में से एक है। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। अगर आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन वही कार है जिसने इंडिया में एक बेंचमार्क सेट किया था सेफ्टी का। इसका जब क्रैश टेस्ट किया गया था सबसे पहली बार, तो इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली थी। उसके बाद टाटा ने इसमें कुछ नए अपडेट्स किए और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए टेस्ट के लिए भेजा गया। तो इस टाटा की सब 4 मीटर SUV ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट पास किया और उसमें 5 स्टार की रेटिंग हासिल की अडल्ट ऑक्यूपेंट में। वही चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 3 स्टार की रेटिंग इसको मिली थी। और जब टाटा नेक्सॉन ने इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट भारतीय मार्केट में उतारा तो उसने तो धूम ही मचा दी। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की टॉप सेलर रही है, हमेशा ही टॉप सेलिंग SUV में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। साथ ही साथ भारत की 15 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी इसका अपना एक अलग स्थान है। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 16-22.4 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 120 PS की मैक्सिमम पावर और 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही साथ इसमें आपको 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन मिलता है वो 110 PS की मैक्सिमम पावर और 260 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी की एक्शोरूम प्राइस 7,20,000 रुपए से शुरू होकर के 12,97,000 रुपए तक जाती है। हाल ही में नेक्सॉन को लेकर कुछ अपडेट्स आई थी कि इसके डीजल वेरिएंट में से कुछ वेरिएंट को कम किया गया है। उसकी सेपरेट वीडियो हमने बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्सॉन के बाद बात करते हैं दूसरी गाड़ी टाटा टियागो के बारे में। नेक्सॉन की तरह ही टाटा टियागो को भी इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है। ये भी सेफ कारों में से एक है। इंडिया की कॉम्पैक्ट हैचबैक में सबसे अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी कार है। इस गाड़ी में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 19.8-23.84 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 86 PS की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी की एक्शोरूम प्राइस 5 लाख रुपए से शुरू होती है और 6,96,000 रुपए तक जाती है। हमारी अगली गाड़ी है महिंद्रा XUV500O। इस मिड साइज SUV को 2011 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसके कोई ज्यादा खास राइवल नहीं थे और इस गाड़ी में काफी सारे बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिल जाते थे। इस गाड़ी की सक्सेस का पता तो इसी तरह चलता है कि कंपनी ने पिछले 9 सालों में इसको कोई खास अपडेट्स नहीं दिए हैं, ना ही कोई नई जनरेशन इसकी लॉन्च की है। हालांकि आने वाले टाइम में अब XUV500O की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है भारत में। XUV500O की नेक्स्ट जनरेशन के साथ ही साथ XUV700O, जो कि इसका एक प्रीमियम वर्जन होने वाला है, उसको भी इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा भारत में। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 15.1 KMPL क्लेम किया जाता है और एक्शोरूम प्राइस 14,24,000 रुपए से शुरू होकर के 20,04,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है टाटा की हैरियर। टाटा अपनी इस हैरियर को लेकर के काफी एम्बिशियस था। इस गाड़ी को 2019 में लॉन्च किया गया था। टाटा हैरियर के लॉन्च होने के बाद सेगमेंट में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए इसमें समय समय पर काफी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए और इसके कुछ नए वेरिएंट्स भी लॉन्च किए गए, जैसे डार्क एडिशन, कैमो एडिशन ये लॉन्च किए गए। टाटा हैरियर में काफी अपमार्केट फीचर मिल जाते हैं, ऑन रोड प्रेजेंस भी इसकी काफी शानदार है, मेड इन इंडिया कार है
और इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 14.635 KMPL क्लेम किया जाता अच्छा, है और प्राइस 14,30,000 रुपए से शुरू होती है और 20,83,000 रुपए तक जाती है। 11,12,12,12 इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 star की रेटिंग मिली है। महिंद्रा एक्सयूवी 300 के भारत में लॉन्च होने के बाद से ही इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला और ये गाड़ी टॉप सेलिंग की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही। सफोमीटर एसयूवी की लिस्ट में ये गाड़ी हमेशा ही अपनी जगह बना लेती है, साथ ही साथ कभी कभी तो ये भारत की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी शामिल हो जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं और एएमपी ट्रांसमिशन में 17-20 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। और इस गाड़ी में जो आपको 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है 110 PS की मैक्सिमम पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो 116 PS की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। शुरू प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 13,09,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। इस हिसाब से ये भारत की सबसे पुरानी कार है या आप कह सकते हैं सबसे पुरानी एसयूवी है। इसके साथ ही इस गाड़ी को आज तक कभी भी नेक्स्ट जनरेशन का अपडेट ही नहीं मिला। इसके फेसलिफ्ट तो कई बार लॉन्च किए गए लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। महिंद्रा इसका प्लान कर रहा है और इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती हफ्ते में, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक महिंद्रा स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा भारतीय कार मार्केट में। ये गाड़ी अपनी रफ एंड टफ लुक के लिए जानी जाती है और ये टॉप सेलिंग एसयूवी की जगह हमेशा ही कामयाब हो जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 15 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। हालांकि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सुनने में तो ये आया है कि उसमें डीजल इंजन के साथ साथ 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसकी एक्चुअल प्राइस 12,39,000 रुपए से शुरू होकर के 17,10,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है टाटा की अल्ट्रोस। प्रीमियम हैचबैक है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में i20 और सुजुकी वैगनर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और देखने में तो ये लग रहा था कि टाटा ने काफी, लेकिन अल्ट्रोस के फाइनल रिजल्ट ने काफी चौंका दिया। इस गाड़ी ने काफी अच्छी तगड़ी टक्कर दी है भारतीय कार मार्केट में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में। तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है भारत की। ये गाड़ी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग के लिस्ट में जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब रहती है, साथ ही साथ टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक में भी इसने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि अपने कंपटीटर से इसमें कम ट्रांसमिशन के ऑप्शन है। टाटा अल्ट्रोस आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 5,80,000 रुपए से शुरू होकर के 9,57,000 रुपए तक जाती है। और हाँ, जी एन कैप क्रैश टेस्ट में टाटा अल्ट्रोस को भी 5 out of 5 star की रेटिंग मिली है। टाटा सेफ हैचबैक है टाटा अल्ट्रोस। अगली गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो। अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन साल 2000 में शुरू किया था, लेकिन जब से लेके आज तक इन दो दशकों में इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया गया है। जैसी गाड़ी बंद कर दी है, बोलेरो की नई आई थी ना मॉडल, रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में काफी पसंद की जाती है। ये गाड़ी भी टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। दूसरी बात, इस गाड़ी का भी नेक्स्ट जनरेशन अब लॉन्च किया जाना है। महिंद्रा ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है अपनी सभी गाड़ियों को लेकर के। महिंद्रा बोलेरो में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.7 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है 8,42,000 रुपए से और 9,41,000 रुपए तक जाती है। चलिए अब बात करते हैं 9th गाड़ी की, टाटा सफारी। सफारी पहले से ही भारतीय मार्केट में बिक रही है, बीच में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और टाटा हैरियर में थर्ड रो लगा करके टाटा सफारी को पेश कर दिया गया है। हालांकि और रियर प्रोफाइल काफी चेंज है और फ्रंट में भी कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं और इस 6 और 7 सीटर एसयूवी को भारत में पेश किया गया है। टाटा सफारी की स्ट्रॉन्ग बिल्ड और माचो अपील इसको एक अलग ही लुक देती है। इस गाड़ी में काफी सारे अपमार्केट फीचर्स मिल जाते हैं। बेस्ट इन सेगमेंट फीचर से लैस इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 14.08 to 16.14 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है।
ये गाड़ी भी टॉप सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब हो जाती है। इस गाड़ी की एक्सशोरूम प्राइस 14,99,000 रुपए से शुरू होकर के 21,83,000 रुपए तक जाती है। और आखिरी गाड़ी है महिंद्रा थार। ऑफ रोड बेस्ड एसयूवी है। इससे पहले और 2020 में इसकी सेकंड जनरेशन को पेश किया गया और सेकंड जनरेशन पे लोगों का दिल इतना आ गया कि लॉन्च होने के साथ ही साथ कुछ ही महीनों के अंदर इसकी 50,000 बुकिंग्स हो गई। उसके बाद से इसका वेटिंग पीरियड बढ़ गया और अब महिंद्रा को इसकी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन को और तेज करना पड़ गया है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 15.02 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इसकी एक्सशोरूम प्राइस 12,12,000 रुपए से शुरू होती है और 14,17,000 रुपए तक जाती है। जब से महिंद्रा थार लॉन्च हुई है, जब से लेके अब तक टॉप सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में इसने जगह बनाने में कामयाबी ही हासिल की है। हर महीने इसके 2200 से 2500 यूनिट तो बिक ही जाते हैं। अगर महिंद्रा इसका प्रोडक्शन तेज कर दे तो 3,000 से 4,000 यूनिट इसके हर महीने बिक जाएंगे। तो ये थी टॉप 10 कार जो इंडिया। तो यार ये वीडियो खत्म। ये थी यार टॉप 10 मेड इन इंडिया कार जिन्होंने मतलब पूरी इंडियन मार्केट को कब्जे में ले रखा है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा चलती हैं और महिंद्रा और टाटा की बात ये सारी महिंद्रा और टाटा की थी। महिंद्रा 5.3 टाटा अल्ट्रोज, महिंद्रा एक्सयूवी 300 500, उसके बाद स्कॉर्पियो, अच्छा हैरियर, सफारी, बुलेरो, अल्ट्रोज, पता नहीं बुलेरो, नेक्सन, मतलब यार बहुत गाड़ियां थी। टियागो मतलब 5-5 दोनों की थी। और यार वाकई में इंडी की जब इतनी अपनी कार है, इतनी मस्त है, तो यार और बाहर से लेने की जरूरत क्या, जरूरत ही नहीं। तो मैं पता है अभी जो एक्सयूवी 700 जो गाड़ी है, उसकी सेफ्टी रेटिंग 5.5 है और चाइल्ड की 41 मैक्सिमम 49 होती है ना। हाँ। तो इसने 41 पॉइंट्स लिए हैं। ओ भाई, मतलब इसने फाड़ के रख दिया हर चीज को। अभी मेरी फुल ड्रीम कार बन गई, बहुत कमाल की गाड़ी थी। और जो टाटा 5 नहीं आई थी, उसने भी सेफ्टी रेटिंग में 5 पॉइंट्स लिए हैं। यार टाटा की हमेशा से बात लेती है। और दूसरे ये कि उसने जो चाइल्ड की जो थी ना पॉइंट्स, उसने 40 लिए। महिंद्रा की जो एक्सयूवी सीरीज है ना, वो हमेशा 5 लेती है, बहुत कमाल। लेकिन वो जो दूसरी सीरीज है ना, मतलब स्कॉर्पियो बुलेरो, इनकी सेफ्टी रेटिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन दफा ज्यादा, लेकिन इस पे भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है महिंद्रा की तरफ से। अब जो नेक्स्ट स्कॉर्पियो का शायद वर्जन है उसमें, यार मैं तो एक बात कहूंगा, महिंद्रा और टाटा को अब ये साथ में लिखवा देना चाहिए कि मजबूती का दूसरा महिंद्रा और टाटा। इंडिया की जब अपनी कंपनी जितनी कमाल की है, तो बाहर से इंडियन लेती ही और ज्यादातर इंडियंस लेती ही इंडियंस गाड़ियां, क्योंकि बहुत कमाल। मैं मानता हूँ यार बाहर की गाड़ियां जो इंडिया इधर बना रहे, इंडिया में ही बन रही है, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग ये टाटा महिंद्रा क्यों लेते हैं। इनमें हर फीचर भाई, इनमें फीचर्स भी ज्यादा होती हैं और बहुत कमाल। अब एक्सयूवी 700 को देख लो तुम, उसमें फीचर्स भर भर कर दिए और लोग ऐसे समझ रहा था यार बिल्ड क्वालिटी इसकी, यार एक्सयूवी 700 ने बहुत ज्यादा में इंप्रेस किया, बहुत ज्यादा। और एक दिन में तुम्हें पता है इसकी बुकिंग कंपनी ने बंद कर दी थी, मतलब इतनी ज्यादा मतलब बुकिंग हो गई थी। सो गाइस आप लोग बताएं, आप लोगों को कौन सी गाड़ी है, कमेंट सेक्शन में बताओ, या इनमें से कोई गाड़ी लेने लगे हो तो ये भी बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।